तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हुसूरबी इंडियन गर्ल इन यूरोप और आज मैं आप लोगों के बहुत बार मैंने कमेंट्स देखे और मैंने सोचा चलो अब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ कि सलून जो प्राइजेज़ हैं जर्मनी में वो कितने हैं अफकोर्स इनिशियली जब हम आते हैं तो हम जो चीज़ सलून में नॉर्मली मंथली बेसिस पर कराते हैं उसके प्राइजेज़ हमें लगता है कि हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब पहले से ही अगर हमें पता हो तो बहुत ही अच्छी बात है तो मैं आपको कुछ एवरेज प्राइजेस बताऊंगी यहाँ पर जो सर्विसेज हम इंडिया में यूज़ करते हैं कुछ चीज़ें जो मैंने बंद कर दी यहाँ पर कुछ सर्विसेज के प्राइजेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो मैं कौन सी टिप्स उसमें यूज़ कर रही हूँ वो सारी चीज़ें इस वीडियो में होगी तो वीडियो जो है वो एंड तक देखना और आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे अबाउट सैलून सर्विसेज कौन कौन सी यहाँ पर होती है लोगों को यहाँ पर जर्मनी में सैलून मतलब जो भी अपनी ग्रूमिंग में क्या करवाना पसंद होता है वो सारी इनसाइट्स जो है इस वीडियो में मिलेगी तो विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो अभी मैं सबसे पहले आती हूँ वो सर्विसेज जो हम लोग हमारी ग्रूमिंग के लिए डेली बेसिस पर यूज करते हैं इंडिया में तो मुझे याद है मैं थ्रेडिंग अपर लिप्स वैक्सिंग फेशियल देन कुछ हेड मसाजेस बॉडी मसाजेस हेयर स्ट्रेटनिंग एंड स्मूथनिंग ये और हेयर कलर भी कभी कभी है ना तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग आई थिंक कभी ना कभी कराते ही हैं कुछ लोग मंथली बेसिस पर कराते हैं कुछ लोग वीकली बेसिस पर कराते हैं बेस ऑन उनकी ग्रोथ कैसी है क्या है तो uh, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ थ्रेडिंग के प्राइजेस तो यहाँ पर जो थ्रेडिंग के प्राइजेज होते हैं वो फाइव यूरोज से स्टार्ट होते हैं टू टेन यूरोज़ अपर लिप्स भी फाइव यूरो से स्टार्ट होता है मतलब अगर मैं आपको इंडिया से कन्वर्ट करूँ तो फोर हंड्रेड रुपीज टू एट हंड्रेड रुपीज जस्ट फॉर थ्रेडिंग द प्रॉब्लम यहाँ पर ये यह होती है कि यहाँ पर बहुत सारे जो सलून होते हैं जो यहाँ के सलून होते हैं वहाँ पर वो लोग थ्रेड से थ्रेडिंग नहीं करते हैं मोस्टली प्लकर यूज करते हैं और उससे थ्रेडिंग करते हैं तो हम लोगों के लिए मतलब हम इंडियंस के लिए वो इतना ज्यादा फिनिशिंग नहीं होता है तो उसके लिए मैं यहाँ पर जनरली कोशिश करती हूँ अगर कोई इंडियन या पाकिस्तानी लेडी है जो थ्रेडिंग करती है उससे करा लेते हैं वो वो फाइव टू टेन यूरो सैलून है और वो सारी चीजें तो ये जो है वो हो गया थ्रेडिंग की बात है ना तो आपको लग रहा होगा कि कितना है थ्रेडिंग के प्राइजेस उसके बाद मैं आती हूँ वैक्सिंग तो वैक्सिंग जो है वो भी तो आप सभी लोग करवाते होंगे आपको प्राइजेस पता करने होंगे तो आप शौक हो जाओगे वैक्सिंग जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा महंगी होती है और मोस्टली सलून पर नहीं होती है Uh, तो आपको पहले तो ढूंढना पड़ेगा कि वैक्सिंग कहाँ पर होती है और जहाँ पर भी वैक्सिंग होती है तो मैं आपको कुछ प्राइजेज अगर बताऊँ तो फुल हैंड जो है वो फोर्टी यूरोस के लगभग होता है अराउंड थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड के लगभग uh, फुल लेग्स भी इतना ही होता है फोर्टी यूरोस मतलब ये भी डिपेंड करता है कि आप किस सैलून पर जा रहे हो पर फोर्टी यूरोज जो होता है वो एवरेज होता है फिर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज़ के डिफरेंट डिफरेंट चार्जेज़ होते हैं बट आपको एक एवरेज पता चल जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा है अगर आप इंडिया से कंपेयर करो तो।, तो इसके लिए एक टिप जो है वो मैंने एक पुराने जो बहुत पुराना वीडियो है उसमें भी बताया था कि मैं यहाँ पर एक मैंने मशीन मंगाई थी Uh, जो आजकल हमारे यहाँ सलून में भी लोग यूज़ करते हैं और मैं सेल्फ़ ही वैक्सिंग करने लगी हूँ इसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं सर तो वो मशीन जो है मशीन के अलावा ये आते हैं जो कि अमेज़ोन पे आते हैं uh, तो आप जैसे ही ये ख़त्म हो जाए तो रीफिल करने के लिए यू कैन यूज़ दैट ये जो है वो फिफ्टीन यूरो से 40 यूरोस तक डिपेंड ऑन आप कौन सा वैक्स मंगा रहे हो आप मंगा सकते हो अभी मेरे पास ये छः का सेट है इसमें बारह का भी सेट आता है ट्वेंटी फोर का भी सेट होता है जो अमेज़ोन डॉट डी है वेबसाइट उस पर आप देख सकते हो जो वेक्स स्ट्रिप्स हैं ये भी मैंने अमेज़ोन से ही मंगाई है तो अमेज़ॉन से मैं बल्क में मंगा लेती हूँ ये जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा चल जाता है लास्ट टाइम जो मैंने मंगाया था वो दो से तीन साल चला था एक्चुअली तीन साल चला था तो इस बार भी चल जाएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है तो अगर आप खुद से कर सकते हैं वैक्सिंग थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कैसे करते हैं तो आप ये यूज कर सकते हो इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू स्पेंड दैट मच मनी वो भी मंथली क्योंकि वैक्स कराना ही होता है तो ये एक टिप है तो मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ और मैं अपने फ्रेंड्स को बताती हूँ तो मैं सोचा आप लोगों को भी बता इसके बाद आते हैं हम फेशियल फेशियल वाली जो चीज़ होती है ये एंगल जो है वो बहुत आ, हमें लगता है कि यार हम फेशियल किट कौन सी लेके आए इंडिया से ठीक है दूसरा सवाल फेशियल यहाँ पर होते हैं तो हमारे यहाँ जो फेशियल होते हैं वो यहाँ पर होते हैं या नहीं होते तो इसका मैं आंसर दूंगी हाँ और ना कुछ जो सलून होते हैं जो इंडियंस के सलून होते हैं और पाकिस्तानीज या हमारे साइड के जो सलून होते हैं उनमें तो वो सारे फेशियल्स होते हैं जैसे हम बोलते हैं वाइटनिंग फेशियल uh, या फिर पपाया या फिर फ्रूट फेशियल वो सारी चीज़ें लेकिन अगर आप यहाँ के सैलून पे जाओ तो यहाँ के सैलून के जो फेशियल्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं जैसे ये लोग यूज़ करते हैं क्लिनजिंग फेशियल देन लग्जरी फेशियल देन मॉइस्चराइजिंग फेशियल इस टाइप के जो फेशियल्स हैं वो यहाँ पर होते हैं नॉर्मली यहाँ के जो सलून होते हैं अगर मैं आपको प्राइजेज बताऊँ तो प्राइजेज जो है वो फोटी यूरोज से स्टार्ट होता है एंड डिपेंड ऑन आप कितने मिनट्स का करा रहे हो जैसे अगर आप थर्टी मिनट्स का कराओगे तो कम प्राइजेज होगा वेराज सिक्सटी मिनट्स का कराओगे तो ज़्यादा प्राइजेज होगा और जो लग्जरी फेशियल्स होते हैं अराउंड 60 मिनट्स मिनट्स टू 90 होते हैं, और उसके जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ मैंने कहीं चेक किया था मतलब एक सैलून पे चेक किया था वन ट्वेंटी अराउंड दस हजार के लगभग जो है वो फेशियल का प्राइस होता है अब क्या होता है हम लोग तो फेशियल जो है इंडिया में बहुत कराते हैं और अच्छी स्किन हो जाती है ब्लड सर्कुलेशन होता है तो एक आदत होती है फ़ेशियल कराने की लेकिन यहाँ पर आके अगेन मेरे पास कुछ टिप्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ और मुझे फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं होती तो यहाँ पर मैं बहुत सारे जो फ़ेस मास्क हैं वो यूज़ करती हूँ जो कि मॉइस्चराइजिंग फ़ेस मास्क हैं उनमें से कुछ जो हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ जो मेरे पास है जैसे ये ये ओवरनाइट मास्क है जो कि हनी एंड ब्लूबेरी मास्क है जो कि आप रात में लगा के सो सकते हो प्लस ये बहुत ही ज्यादा क्रीमी है तो मसाज भी कर सकते हो इट विल गिव दैट इफेक्ट कि आप जब सुबह उठोगे और आप अपना फेस जो है वो वॉश करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप फेशियल करा के ही हटे हुए हो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ जैसे ये एक मास्क है ये भी तो यहाँ पर भी जैसे जर्मन जो सुपरमार्केट्स हैं उसमें भी बहुत तरीके के मास्क आते हैं पर तो ये जो मैंने आपको दोनों बताए हैं ये कोरियन मास्क हैं और मैं कोरियन प्रोडक्ट्स बहुत यूज़ करती हूँ और अगर आपको भी ये प्रोडक्ट्स आप मंगाने हैं तो आप मंगा सकते हो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर इनके लिंक्स भेज दूँगी एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इंडियन गर्ल ट्वेंटी जो है वो आप कूपन कोड जो है यूज़ कर सकते हैं एंड यू विल गेट द एक्स्ट्रा डिस्काउंट और फेशियल के लिए ये सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव है यहाँ पर अगर आपको इतना ज़्यादा जो यूरोज है वो खर्च नहीं करना है तो दो प्रोडक्ट्स और हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जैसे ये वाला जो है वो एक स्लीपिंग मास्क है जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये भी जब आप मॉर्निंग में फेस वॉश करते हो तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू है और एकदम जेल वाला टेक्स्चर है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इसकी भी लिंक मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर छोड़ दूँगी एंड देन आई पैचेस यहाँ पर जनरली क्या होता है मौसम बहुत ज़्यादा चेंज होता है तो जनरली आपके आंखों के लिए भी आपको कुछ मॉइस्चराइजिंग चाहिए होता है तो मैं काफ़ी टाइम से डिफरेंट तरीके के आई पैचेस यूज़ कर रही हूँ अभी ये है ये भी बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है जेल बेस्ड है तो आप ये भी चेक कर सकते हो अगर आपको भी आई के नीचे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है या ऐसा लगता है अरे यार कुछ तो होना चाहिए तो आप दिस यू कैन यूज इट सारी चीजें जो हैं वो ऑल्टरनेटिव हैं प्लस ये जो है वो आराम से दो महीने तीन महीने अगर आप एक बार मंगाओगे तो चलेगा तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग अब हम आते हैं बॉडी मसाज के ऊपर और मसाजेस के ऊपर तो मैंने यहाँ पर हेड मसाज और ये सारी चीजें जनरली देखी हैं तो जो थाई मसाज जो सलून होते हैं वहाँ पर होती हैं जो अगेन स्टार्ट होता है अराउंड थर्टी यूरोज़ डिपेंड ऑन कितना टाइमिंग है तो जो बॉडी मसाजि के जो सलून होते, है, होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं यहाँ पर वो भी अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो हमें बहुत ज़्यादा लगता है बट आप वो ट्राई कर सकते हो क्योंकि उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है बट मेरे लिए ये अल्टरनेटिव है कि हमने एक मसाजर मतलब एक मसाजर मशीन जो है वो मंगाई हुई है जो कि हमें जब भी मतलब जब भी ऐसा लगता है कि वी

कुछ सलून होते हैं उसमें भी इस तरीके की मसाज होती है बट हाँ थोड़ी महंगी होती है एक्सपेंसिव होती है अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो अब हम आते हैं हेयर सर्विसेज सर्विसेज पे हेयर जो है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन है और लोग जो हैं वो जैसे हम लोग वैक्सिंग थ्रेडिंग ये ज्यादा मंथली बेसिस पर जाते हैं वैसे ही यहाँ पर जो है वो हेयर सर्विसेज के लिए लोग बहुत ज्यादा जाते हैं चाहे वो उसमें हेयर कलर हो गया चाहे वो हेयर कट हो गया हेयर स्ट्रेटनिंग हो गया हेयर कैरेटन हो गया आ, या फिर बहुत सारे स्कैल्प ट्रीटमेंट हो गए हेयर स्कैल्प और हेयर के एंड कलरिंग uh, uh, हो गया ये सारा जो है वो बहुत कॉमन है और अगर आप यहाँ पर स्ट्रीट्स पे जाओगे तो आप देखोगे कि हर लोगों के बाल जो हैं वो एकदम बिल्कुल चकाचक सेट होते हैं रीज़न यही है कि ये इन लोगों के जो हेयर हैं वो बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं और मंथली बेसिस पर ये सर्विसेज लेते रहते हैं तो यहाँ पर जो हेयर सैलून होते हैं वो वही एक तो होते हैं जो ठीक प्राइसेस पे होते हैं एंड देन कुछ प्रीमियम भी होते हैं तो उसके जो सर्विसेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत महंगी होती हैं तो अगर मैं वुमेन हेयर कट की बात करूँ तो वो स्टार्ट होती है अराउंड ट्वेंटी टू यूरोज़ और वो जाती है टिल हंड्रेड एंड टेन प्रीमियम अगर कोई सैलून है तो Uh, तो आप कंपेयर करोगे इंडिया से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर हेयर सर्विसेज या जो कटिंग सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी होती हैं प्लस डिपेंड ये भी करता है कि आप उसमें हेयर कट में क्या करा रहे हो हेयर वॉश करा रहे हो ब्लो ड्राई करा रहे हो या फिर आप बहुत डिफरेंट स्टाइलिंग करा रहे हो उसके बेसिस पर जो है वो प्राइज़ बढ़ते जा रहे हैं ऑन एन एवरेज आज तक मैंने जो है वो फिफ्टी यूरोज़ टू सेवेंटी यूरोज़ का जो है वो सर्विसेज यहाँ पर ली हैं आप कंपेयर कर सकते हो अराउंड फोर थाउजेंड से सिक्स थाउजेंड के लगभग लगभग और मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाती लाइक like मंथली जैसे ये लोग जाते हैं उसके बाद हम आते हैं हेयर कलरिंग के ऊपर हेयर कलरिंग भी डिपेंड करता है आपकी क्या लेंथ है, है क्या वॉल्यूम है हम लोगों का वॉल्यूम जो है वो भी ज़्यादा होता है इंडियंस का तो लेंथ वॉल्यूम पे डिपेंड करता है बट वो स्टार्ट होता है यहाँ पर अराउंड थर्टी यूरोस से एंड जाता है शायद फाइव हंड्रेड यूरो सिक्स हंड्रेड यूरो डिपेंड ऑन कि आप क्या करा रहे हो कहाँ से करा रहे हो मैंने जो है इससे पहले जब मेरे बहुत लॉन्ग हेयर्स थे यहाँ के हिसाब से इतने जो हैं कमर तक जो होते हैं वो लॉन्ग हेयर होते हैं उसमें मैंने दिए थे अराउंड 220 यूरोस लगभग लगभग 18000 से 19000 थाउजेंड के लगभग मैंने दिए थे और अभी जो मैंने रिसेंटली कराया था वो भी अराउंड टू हंड्रेड यूरोज़ में हेयर कलर कराया था जिसमें मैंने हाइलाइट्स कराई थी एंड पूरा हेयर कलर कराया था तो ये यहाँ पर चार्जेस होते हैं आ, अगर आपके बहुत कम हेयर हैं फिर भी आप मान लो अराउंड एटी टू हंड्रेड यूरो में तो आपका इतना हो गया ही आ, अब आप कंपेयर कर सकते हो इंडिया से कितना ज़्यादा है कितना कम है क्योंकि इंडिया में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलून होते हैं जैसे यहाँ पर होते हैं तो हेयर में जो कॉमन सर्विसेज हैं उसके बाद आने के बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो यहाँ पर बहुत कॉमन है और जो कुछ चीज़ें मैंने भी यहाँ पर सर्विसेज लेना स्टार्ट कर दी है जैसे यहाँ पर जो नेल सलून हैं वो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जिसके प्राइजेस जो हैं वो स्टार्ट होते हैं अराउंड ट्वेंटी फ़ाइव यूरोज़ सो ये जो एक्रेलिक नेल्स बोलते हैं यहाँ पर ये आ, जो लगाने के चार्जेस ट्वेंटी फ़ाइव यूरो से स्टार्ट होते हैं टू फिफ्टी यूरोज़ डिपेंड आप कितना उसमें आर्ट करवा रहे हो क्या करा रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और आपको मोस्टली एटी परसेंट लड़कियों के हाथों में ये वाले जो नेल्स हैं वो दिखेंगे देन दूसरी चीज़ जो है वो बहुत कॉमन है वो फेक आई लेशेज़ इवन इंडिया में भी अब बहुत कॉमन हो गया है ये दोनों ही चीज़ें पर जो फेक आई लेशेज़ होते हैं वो भी यहाँ पर कॉमन है जो लोग दो मंथ में एक बार या थ्री मंथ्स में एक बार कराते हैं जिसका प्राइजेस जो है वो स्टार्ट होता है अराउंड एट्टी यूरोज टू टू हंड्रेड यूरो डिपेंडिंग ऑन कि आपको वॉल्यूम कितना रखना है जो मैं नहीं कराती क्योंकि फेक आई लगते हैं बट हन ईयर्स जो हैं वो मैं कराने लगी हूँ यहाँ पर लोगों को देख के और बहुत ज़्यादा कॉमन क्या है यहाँ पर परमानेंट मेकअप तो उसके प्राइज मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा आ, पर परमानेंट मेकअप भी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है यहाँ पर बहुत सारे सैलून जब आप ऐसे घूमोगे फिरोगे तो यहाँ पर देखने मिल जाएंगे एंड uh, इसके अलावा मुझे कुछ लग नहीं लगता है जो यहाँ पर बहुत कॉमन है और इंडिया में इतना कॉमन नहीं है बट हाँ यहाँ पर जो लोग हैं अपने मतलब फेस के लिए या अपने डे टू डे उसमें बहुत ही ज़्यादा नेचुरल मेकअप जो है ऑन डेली बेसिस यूज़ करते हैं जो आई थिंक हम लोग इंडिया में इतना नहीं यूज़ करते जो एक चीज़ है डिस्क्लेमर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ तो ये था आज का मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको यहाँ के प्राइजेस बताए और कुछ एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी ग्रूमिंग से रिलेटेड स्पेशली लड़कियों के लिए कि आप भी कौन से टिप्स यूज़ कर सकते हो टू अवॉइड या बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए यहाँ पर अल्टीमेटली जब आप यहाँ पर आओगे तो आप भी अपना कोई ऑल्टरनेटिवस जो है वो ढूंढ लोगे जैसे मैंने ढूंढ लिया बट दिस इज़ माई इनिशियल टिप्स टू यू जब आप यहाँ पर आओगे होपफुली ये वीडियो जो है वो आपको हेल्पफुल रहा मेरा जितना भी एक्सपीरियंस था जब जब मैंने हेयर कट कराया हेयर कलर कराए थ्रेडिंग कराए वो सारा जो है वो उसका पूरा कॉम्बिनेशन है ये वीडियो और प्लस जो चीज़ें मैंने यहाँ पर ली और वो चीज़ें बहुत अच्छी निकली तो मैंने सोचा मैं ये सारा वीडियो आपको बताऊँ हेल्पफुल रहेगा आपको आपके भी कोई फ्रेंड्स जो हैं वो यहाँ आने वाले हों और उनके भी यही क्वेश्चन हो तो आप ये वीडियो उनको फॉरवर्ड कर सकते हो और बाकी जो मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताए उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है वो देख लेना एडिशनल डिस्काउंट है वो भी यूज़ करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा वो यूज़ करना बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कोई क्वेश्चन हैं कोई स्पेशल प्राइजेस जो आप जानना चाहते हो सलून सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना मैं आपको पक्का वीडियो बनाऊँगी उसके ऊपर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय